हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में सिगेन फंडेप। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 5 वाटर टाइप पोकेमोन। और सबसे पहले मैं आपको एक नोट देना चाहता हूँ कि मैं सन और मून के पोकेमोन्स अपने लिस्ट में कभी भी इंक्लूड नहीं करने वाला जब तक वो रीजन खत्म नहीं हो जाता। इसलिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको बता के रखता हूँ कि सन एंड मून के पोकेमोन इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होते, क्योंकि वो रीजन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, या फिर उस रीजन पे, सिर्फ उस ही रीजन पे बेस्ड एक पोकेमोन गेम तक भी नहीं आया है। तो इसलिए मैं कभी भी सन एंड मून पोकेमोन को इंक्लूड नहीं करता अपनी लिस्ट में। तो आइए हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और इस लिस्ट को जो स्टार्ट करने वाला 5th नंबर का पोकेमोन है वो है गैरेडोस। इस पोकेमोन की 2 स्टेजेस है, मैजिकार्प और गैरेडोस। और इसके बाद एक और स्टेज है जिसमें वो मेगा इवॉल्व भी होता है, वो है मेगा गैरेडोस। और जब ये मेगा इवॉल्व होता है तो काफी ताकतवर पोकेमोन बन जाता है ये। और सच कहूँ तो गैरेडोस सबका फेवरेट है और इसने हमें काफी एंटरटेनमेंट किया एनिमे में। लेकिन इसके भी कुछ स्ट्रांग अटैक्स है जैसे हाइड्रो पंप, ड्रैगन टेल, हाइपर बीम और क्रंच। इस पोकेमोन के बेस स्टैट्स भी काफी अच्छे है। और गेम में मैंने अपने गेम जब भी मैं गेम खेलता हूँ तो इस पोकेमोन को मैं अपने गेम में हमेशा शामिल करता हूँ, चाहे फिर वो कौन सा भी रीजन होने दो। और इसको मैं मेगा इवॉल्व तो नहीं करता लेकिन शामिल जरूर करता हूँ, क्योंकि काफी स्ट्रांग पोकेमोन है। और एक पिद्दी से और फट्टू से पोकेमोन में से इवॉल्व होकर इतना ताकतवर पोकेमोन बनना जैसे गैरेडोस, मैजिकार्प की खुशनसीबी है कि उसको ये तोहफा मिला कि वो एक गैरेडोस इतने ताकतवर पोकेमोन में इवॉल्व हो सके। इस लिस्ट का जो 4th नंबर का पोकेमोन है वो है ब्लास्टर्स। और इसके 3 स्टेजेस है, पहला है स्क्वाटल, दूसरा है वाटोटल और तीसरा है ब्लास्टर्स। इसके बाद ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है और ये मेगा इवॉल्व होने के बाद काफी स्ट्रांग हो जाता है। और जैसे आपने एक फाइट देखी ही होगी जिसमें ब्लास्टर्स ने एलन के मेगा चैरिजार्ड को हरा दिया था, जब एलन सभी इलाइट 4 मेंबर्स को हराने वाला था तो ये लास्ट पोकेमोन था तो उसने हरा दिया था। एक ड्रैगन पल से उसने हरा दिया था अपने एलन के चैरिजार्ड को। और इसके बाद एलन ने काफी ट्रेनिंग की और काफी स्ट्रांग ट्रेनर बन गया। तो आइए इसके कुछ ताकतवर अटैक्स भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला ताकतवर अटैक है वो है हाइड्रो पंप, दूसरा वाटर गन, तीसरा बाइट और चौथा है आइस बीम। ये कुछ इसके ताकतवर अटैक्स है। और इसका पावरफुल मूव है हाइड्रो पंप और आइस बीम। जो ग्रास टाइप पे आइस बीम काफी इफेक्ट करता है इसलिए ग्रास टाइप के खिलाफ भी कमजोर नहीं पड़ता इसलिए, और फ्लाइंग टाइप पे भी आइस बीम का इफेक्ट काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ब्लास्टर्स जैसे एक ताकतवर पोकेमोन को इस लिस्ट में हमेशा होना ही चाहिए। और जैसे कि ये हमें जनरेशन 1 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था तो इसकी वजह से ये काफी स्ट्रांग पोकेमोन है और फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। इस लिस्ट को स्टार्ट करने वाला 3rd नंबर का पोकेमोन है ग्रेनिंजा। और ये काफी ताकतवर है और इसके बेस स्टैट्स भी काफी अच्छे हैं। मुझे काफी ये पोकेमोन ने मुझे काफी इंप्रेस किया है। और इस पोकेमोन की एक खासियत है बॉन्ड इवोल्यूशन। और जब बॉन्ड इवॉल्व होता है तो इसके पीठ का स्टार बड़ा हो जाता है जिससे वो काफी अच्छे अटैक्स कर सकता है। और इसने मेगा सेप्टाइल कह रहा है जो कि एक अपने आप में एक काफी अच्छी बात है। वैसे सेप्टाइल को हराना इसके लिए मुश्किल तो था लेकिन बॉन्ड इवोल्यूशन और एश जैसा ट्रेनर हो तो क्या कहने यार। पोकेमोन बहुत ही ताकतवर रह जाते हैं एश के साथ और काफी फ्रेंडली रहता है एश पोकेमोन के साथ, इसलिए इसका बॉन्ड इवोल्यूशन काफी ताकतवर है। और इस पोकेमोन की वजह से ही एश कालोस रीजन के फाइनल्स तक पहुंच पाया, वरना वो हार जाता बीच में ही कहीं तो, अगर मेगा इवोल्यूशन पहले आते तो वो बीच में ही हार जाता। अगर ये पोकेमोन ना होता तो मुझे नहीं लगता कि एश फाइनल्स तक पहुंच पाता। इसके कुछ ताकतवर अटैक्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रो पंप जो कि सभी पोकेमोन्स का सबसे ताकतवर अटैक है, उसके बाद आता है डार्क पल्स, आइस बीम और यूटर्न जैसे कुछ ताकतवर अटैक्स ये पोकेमोन आराम से कर और सीख सकता है। कोई टीएम से सीख सकता है तो कोई अपने आप आ जाते हैं जब ये इवॉल्व होता है या फिर बॉन्ड इवॉल्व होता है, तो कुछ ऐसे अटैक्स है जो ये कर पाते हैं। इस लिस्ट का जो 2nd नंबर का पोकेमोन है वो है पालकिया। और इस पोकेमोन ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है जनरेशन 4 से। और ऐसा कहते हैं कि आर्शियस ने इसे और 2 पोकेमोन जिराटीना और डीएलगा को बनाया था पोकेमोन वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। ये एक ड्यूअल टाइप पोकेमोन है जैसे वाटर
और ड्रैगन टाइप। इसके कुछ पावरफुल अटैक्स है जैसे है ड्रैगन टेल, ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैकोमीटियर और हाइड्रो पंप। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हाइड्रो पंप सभी वाटर टाइप्स का सबसे स्ट्रांग अटैक में से एक है, इसलिए ये हर एक पोकेमोन में ये अटैक इंक्लूडेड है। इसलिए आप बिल्कुल भी इरिटेट मत होना कि ये क्या यार सा बार बार हाइड्रो पंप बोल रहा है, क्योंकि ये हाइड्रो पंप काफी स्ट्रांग और ताकतवर अटैक है, इसलिए हाइड्रो पंप हमेशा कभी भी इंक्लूडेड रहता है। इस लिस्ट का जो फर्स्ट और सबसे ताकतवर वाटर टाइप पोकेमोन है वो है कायोग्रे, और ये पोकेमोन जनरेशन 3 यानी होइन रीजन को रोइन रीजन में ही हमें इंट्रोड्यूस करा गया था, और इसका और एक फॉर्म है प्राइमल क्योग्रे, और ये अपने उस फॉर्म में तब आता है जब ग्रूडन अपने प्राइमल फॉर्म में आता है। इसके कुछ ताकतवर अटैक्स है वाटरफॉल, हाइड्रोपम्प, ब्लीजर्ड। इसके बेस्ट स्टैट्स भी सभी वाटर टाइप पोकेमोन से सबसे अच्छे है, और ये पोकेमोन सबका फेवरेट होता है और हर कोई इसे अपने गेम में शामिल करना चाहता है, क्योंकि सबको लेजेंडरी पोकेमोन किसको पसंद नहीं है। तो चलिए गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो को देखकर अगर आपको जरा सी भी खुशी हुई, मजा आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। बस अब और कुछ नहीं बोलना, अब चलते हैं, तब तक के लिए।